जय श्री कृष्ण। आज देखते हैं हम कि माता कैकेयी के अशांत मन को प्रभु श्री राम ने कैसे शांति प्रदान की। चित्रकूट में वन में एकांत में श्री राम माता कैकेयी के चरण छूते हुए कहते हैं, माँ प्रणाम। अश्रुपूरित आँखों से माता, नहीं इतनी ग्लानि की जरूरत नहीं है माता। ग्लानि अब इस जन्म में तो कैसे मिट सकती है बेटा, इस जन्म में तो सहनी ही पड़ेगी। मिट सकती है, एक बात पूछूं? बोल राम। जब मैं छोटा था और कोई खिलौना टूट जाता था तब आप मुझे कैसे समझाती थीं? माता कहती हैं, खिलौनों का टूटना और बनना भगवान के हाथ में है, इसलिए रो मत। सही है माँ, इसलिए आपका रोना भी व्यर्थ है, सब भगवान के हाथ में है, आप अपने आप को दोष मत दो। माता कहती हैं, मुझे जीने का कोई आधार नहीं मिल रहा ये 14 वर्ष, उसके बाद भी मुझे तो चैन नहीं मिलने वाला, मेरे लिए तो अंधेरे ही अंधेरे हैं। एक काम करो माँ, आपका मन शांत होगा, आप बहुत अकेलेपन का अनुभव कर रही हो, इसलिए ईश्वर से तार जोड़ लो। सच कहता हूँ, सब ईश्वर के हाथ में है, आप निमित्त मात्र हो। मेरे 14 वर्ष के वनवास का परिणाम बहुत सुखद होगा, आप निमित्त बनी हो उस सुखद परिणाम का, इसलिए ग्लानि को दूर करो और अपने अंधेरों को ईश्वर से प्रकाशित कर लो। आपके पास एक सुनहरा अवसर है, अपने अकेलेपन को ईश्वर से भर लो। यदि आपके अंदर से ग्लानि नहीं मिट रही तो इसे ही ईश्वर से जुड़ने का हथियार बना लो। सभी जब आपको दोषी नजरों से देखें तो आप ईश्वर को दया की याचना से देखना, और यदि मेरे मन की जानना चाहती हो तो मेरा अंतर आपको लेश भी दोषी नहीं मानता। आप भी अपने आप को क्षमा करो और ईश्वर से जुड़ जाओ। 14 वर्ष तो अंदर आनंद भर देंगे, प्रकाश भर देंगे, जीवन सुखद हो जाएगा। माता झुकते हुए कहती हैं, आज तो तू गुरु बन गया रे मेरा, मुझे जीने का आधार मिल गया। बोलो माता कैकेयी की जय, बोलो रघुपति श्री राम की जय।